नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते वये अरिहन्तादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा मुच्छ के मार का प्रकाशन करने वाला ऐसा यह अनुपम ग्रंथ मुच्छ मार प्रकाशक जी जिसके रचयिता आचार्य कल पंडित श्री टोडामल जी हैं जो कि नौ अधिकारों में निबद्ध है उसके पहले अधिकार में हमारी चर्चा ग्रंथ की सार्थकता पर चल रही है। पेज नंबर है 18। उससे पहले पंडित जी ने बताया कि कौन से ग्रंथ पढ़ने सुनने योग्य हैं कौन से ग्रंथ बांचने सुनने योग्य हैं वक्ता का क्या स्वरूप है और श्रोता का क्या स्वरूप होना चाहिए और उसके बाद फिर पंडित जी बता रहे हैं कि इस ग्रंथ की सार्थकता क्या है कि जो ये ग्रंथ मैं लिखने जा रहा हूँ ये ग्रंथ सार्थक है कि नहीं। ग्रंथ सार्थक कब होगा, ग्रंथ की सार्थकता कैसे पता चलेगी? हाँ, किससे कि ये ग्रंथ सार्थक है पता कैसे चलेगा? मीन्स ग्रंथ की सार्थकता के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये ग्रंथ सार्थक है कि नहीं है, बताओ। देखो कौन से ग्रंथ पढ़ने सुनने योग्य हैं, उसमें पहली लाइन क्या आई थी कि जो मुच्छ के मार का प्रकाश करें वही ग्रंथ बांचने सुनने योग्य हैं। तो एक तो वहाँ से भी देखें कि जो ग्रंथ मुच्छ का मार्ग दिखा रहा हो, जो ग्रंथ मुच्छ का मार्ग दिखा पाने में समर्थ हो वह ग्रंथ सार्थक है, नहीं तो वो ग्रंथ सार्थक नहीं है। यदि वो ग्रंथ मुच्छ का मार्ग नहीं दिखा पा रहा है, मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा पा रहा हो, तो वो ग्रंथ सार्थक नहीं हो सकता। हाँ वो तो है ही कि मुच्छ का मार्ग ही वितराग मार्ग है, उसमें वो बात ले ली थी हमने कि मुच्छ का मार्ग कहने में वितराग मार्ग भी आ गया कि राग मार्ग की तो वहाँ पे नाम ही नहीं रहा फिर कि मुच्छ का मार्ग तो वही है दूसरा मार्ग ही नहीं है, है ना। इसमें पंडित जी आगे भी लिखेंगे कि मुच्छ मार्ग भी दो नहीं है एक ही है, है ना। व्यवहार कोई मुच्छ मार्ग नहीं कहा वहाँ तो निश्चय कोई कहा, तो वितराग मार्ग भी उसमें इंक्लूड हो गया। तो जो उसका प्रकाशन करने में समर्थ हो वही वास्तव में ग्रंथ की सार्थकता है, यदि वो उसका प्रकाशन नहीं कर पा रहा है तो वो ग्रंथ सार्थक नहीं है। तो ओवरऑल पंडित जी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ये ग्रंथ मुच्छ के माँ का प्रकाशन करने में समर्थ है या नहीं है, और है तो कैसे है। उस पर मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था, ज्यादा दिन तो नहीं हुआ एक भी की हुआ है अभी, क्या बताया था एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल लिया था मैंने सूर्य वाला, रास्ते में लाइट नहीं है उसको उसको
देखो मैंने ऐसा बताया था, क्या बता रहे हो? सूर्य को भगवान बताया है, सूर्य को भगवान बताया है। भगवान चलो मैं बता देता हूँ, आप तो फिर इधर का उधर कर दोगे नहीं तो। मैंने ये बताया था कि पहले तो केवली भगवान थे साक्षात, तो उनकी दिव्य ध्वनि खेल रही थी और उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमको मुक्ति का मार्ग प्रकाशित हो रहा था, हमको मिल रहा था। तो जैसे अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य का उदय होता है, और सूर्य का जब तक उदय रहता है तब तक अंधकार नहीं रहता, हम अपनी मंजिल को ईजिली पा सकते हैं। हमें सूर्य के प्रकाश में हर रास्ता दिखाई देता है हमको कहाँ जाना है। लेकिन वैसे ही मिथ्या रूपी अंधकार का नाश करने के लिए, इस संसार रूपी अंधकार का नाश करने के लिए केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। सूर्य को भगवान नहीं बताया है ना, हाँ। तो केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो उनके माध्यम से हमको मार्ग प्रकाशित होता रहा जो मुक्ति का मार्ग है। लेकिन जब सूर्य का अभाव हो गया, सूर्यास्त हो गया, उसके बाद हम किसी चौराहे पर खड़े हैं और हमको अपनी मंजिल पर जाना है। अब हमको वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि हमको पता है कि हमें इस रास्ते पर जाना है या किस रास्ते पर जाना है। चौराहे पर खड़े हैं और हमको मान लो ईस्ट में जाना है, पूर्व दिशा में जाना है, हमको नहीं पता कि पूर्व दिशा किस ओर है, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम अपनी मंजिल को कैसे पाएंगे? मंजिल को पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हम? फिर तो कैसे पा सकते हैं? मंजिल तो हमको पानी है। अब ऐसा तो नहीं पूरी रात चौराहे पर खड़े रहेंगे हम, तो हमको मंजिल नहीं दिख रही है तो कैसे मिल सकती है मंजिल? कि हम रोड लाइट जला दें, रोड लाइट जला दी हमने तो उसके प्रकाश से हमको रास्ता दिखाई देगा। वैसे ही जब केवली भगवान रूपी सूर्य का अभाव हो गया, तो ग्रंथ रूपी दीपकों का प्रकाशन हुआ। कि जैसे रात्रि के काल में रोड लाइट से या घर में जब लाइट चली जाए तो दीपक आदि से हम अपना कार्य कर लेते हैं, कि दीपक भी उस मार्ग को बैठे प्रकाशित कर रहा है। कि जैसे दिन में वो मार्ग दिखाई दे रहा था हमको, वैसे ही वो मार्ग हमको लाइट में दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि दिन में कुछ और दिख रहा था, लाइट में कुछ और दिखेगा, कि लाइट भी वैसा ही दिखाएगी जैसा सूर्य दिखा रहा था। तो वैसे ही केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उसके माध्यम से हमको मुक्ति का मार्ग प्रकाशित हो रहा था। जब केवली भगवान का अभाव हो गया, तो दीपक रूपी शास्त्रों के द्वारा उस मार्ग का प्रकाशन हुआ। तो ये ग्रंथ भी उस मार्ग को वैसे ही दिखाएंगे जैसे केवली भगवान दिखा रहे थे। कि जैसे सूर्य दिखा रहा था वैसे ही वो दीपक दिखाता है, तो वैसे ही केवली भगवान जैसे बता रहे थे वैसे ही ग्रंथ बताएंगे। तो वो यही बताने वाले हैं इसमें कि किस तरह से वो ग्रंथ मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने में समर्थ है। तो उसको हमने स्टार्टिंग में पहला का पढ़ लिया था, उसको देख लेते हैं थोड़ा। अब यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं, उसकी सार्थकता दिखाते हैं। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख, पेज नंबर 18 पे नीचे नीचे है। इस संसार अटवी में समस्त जीव हैं, वे कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तथा वहाँ मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण वहाँ से मुक्त होने का मार्ग नहीं पाते, तरफ तरफ कर वहाँ ही दुख को सहते हैं। कि संसार अटवी में समस्त जीव हैं, कि अनंत जीव हैं जो दुख से पीड़ित हो रहे हैं। पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना, जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते वैवंत। कि इन तीनों लोकों में अनंत अनंत जीव हैं ऐसे, कि जो दुख से पीड़ित हो रहे हैं। और किससे हो रहे हैं? कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख हैं। तो वो कर्म से दुखी हो रहे हैं क्या? इसमें लिखा कि कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, तो वो कर्म के कारण दुखी हो रहे हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ, वो कर्म के कारण दुखी हो रहे हैं कि कोई और कारण है दुखी होने का? कारण दूसरा है, लेकिन कारण क्या है दूसरा?
क्या है दूसरा कारण दुखी होने का? हमारे दुखी होने का कारण क्या है? मोह राग द्वेष है। हम मोह राग द्वेष क्यों हो रहे हैं फिर? वो तो कर्म से हो रहे हैं। देखो इसमें लिखा है, इसमें पंडित जी ने लिखा हुआ कर्म निमित्त से उत्पन्न, कि उस दुख के उत्पन्न होने में कर्म निमित्त है और उस समय जो हमारे भाव कर्म है वो उसमें नैमित्तिक रूप से उपस्थित है वहाँ पर, कि दुखी हम अपनी भूल से अपने भाव कर्मों से हो रहे हैं, कर्म उस समय क्या है निमित्त रूप से हम उपस्थित हैं। तो कर्म निमित्त से उत्पन्न जो नाना प्रकार के दुख उनसे पीड़ित हो रहे हैं, ये मैंने पिछली बार ले लिया था तो उसको ले लेते हैं अभी। वह मिथ्या अंधकार व्याप्त हो रहा है उसके कारण वो दुखी हो रहे हैं और वहाँ से मुक्त होने का मार्ग नहीं पा रहे क्योंकि मिथ्या रूपी अंधकार फैला हुआ है और तरफ तरफ कर वहाँ ही दुख को सहते रहते हैं। जिस गति में हैं उस गति के अकॉर्डिंग दुख को सहते रहते हैं। ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत कि जो जीव मिथ्या रूपी अंधकार के व्यापने के कारण मुक्ति का मार्ग नहीं पा रहे हैं और दुख से पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे उन जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य धनी रूपी किरणों द्वारा वहां से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। तो तीर्थंकर केवली उन जीवों का भला करते हैं, तो इसमें तो लिखा है, इसमें तो लिखा है कि भला होने के कारण वो तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। तो फिर ये लाइन गलत लिखी हुई है क्या कि ऐसे जीवों का भला होने के कारण भूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उनकी दिव्य धनी रूपी, देखो उसमें लिखा है कारण भूत कि वो निमित्त कारण है, निमित्तिक कारण नहीं है, है ना। कि मैंने उसमें पिछली बार ये भी बताया था कि हम लोग जो बहाना मारते हैं वो इसीलिए मारते हैं कि जब केवली भगवान आएंगे, जब हम चौथे काल में होते या फिर जब हम आगे जाएंगे किसी समूह शरण में, जब साक्षात केवली भगवान का हमको संयोग मिलेगा तो उनकी दिव्य धनी से हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, अपना कल्याण करेंगे, है ना। ये हम बहाने मारते हैं क्योंकि भई हम बता भी देते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथ में कि तीर्थंकर केवली भगवान जीवों का भला करते हैं, तो जब तीर्थंकर केवली भगवान साक्षात मिलेंगे तो उनसे अपना भला कर लेंगे। लेकिन अपना भला होने में कोई काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों ही बाधक नहीं है, है ना। कि क्षेत्र कोई सा भी हो, काल कोई सा भी हो, है ना, तो उससे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। कि अभी काल में इतना है कि मोक्ष नहीं हो सकता पंचम काल में, लेकिन ध्यान कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, इस काल में कौन सा ध्यान नहीं हो सकता, कौन सा ध्यान नहीं हो सकता, हाँ है ना। तो शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, मीन्स मोक्ष नहीं हो सकता, लेकिन धर्म ध्यान तो हो सकता है, है ना। क्योंकि काल के एंड तक भावलिंगी मुनिराज भी पाए जाएंगे कि उस अवस्था तक भी हम जा सकते हैं। तो हम ये बहाना जो मारते हैं कि हम चौथे काल में होते तो हम अपना भला कर लेते समोषण आदि से, या फिर हम आगे या हम विदेश क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर हम सिमंदर भगवान की वाणी सुन के अपना भला कर लेंगे, या आगे चौथे काल में जब भविष्य की चौबीसी आएगी उससे हम अपना कल्याण कर लेंगे, तो ये सब हमारे क्या है बहाने हैं। क्योंकि वो नैमित्तिक कारण नहीं है, निमित्त कारण है केवली भगवान। नैमित्तिक कारण तो हमारा खुद का उपादान है, खुद की योग्यता है, खुद का पुरुषार्थ है। तो यहाँ भी जो कह रहे हैं कि कारणभूत केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तो वो निमित्त कारण से कह रहे हैं कि निमित्त के पीछे ऐसा कहा कि उनका भला होने के कारणभूत केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ। यदि केवली भगवान ही भला कर सकते तो आदिनाथ भगवान अपने पोते का मीन्स मारीची के जीव का भला कर देते, उसको अनंत काल भगना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी खुद की योग्यता नहीं थी, खुद ने पुरुषार्थ नहीं किया, तो साक्षात केवली भगवान का संयोग मिलने पर भी वो अपना भला नहीं कर पाया। और जब भला होने का काल आया, उसकी योग्यता पक्की, उसने पुरुषार्थ किया, तो एक सिंह की पर्याय में दो मुनिराजों के समक्ष उसने अपना भला कर लिया।
तो इसलिए केवल भगवान से भला होता है ऐसा नहीं है, लेकिन जिस समय कार्य हुआ उस समय में निमित्त रूप से हम कह सकते हैं केवल भगवान भी है, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि भी हमको मिल रही है ग्रंथों के माध्यम से, वो भी केवल भगवान की है ना। इसमें पहले आया भी है, कहाँ पे आया है, पहले आया है ग्रंथ की सार्थकता में आया है कि वास्तव में तो महान वक्ता कौन है, वक्ता के स्वरूप में आया है, महान वक्ता कौन है, केवल भगवान है। और ग्रंथ की सार्थकता में आया था कि मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली ही है, कि मूल में तो उपदेश दाता यदि कोई है तो तीर्थंकर केवली भगवान ही है, कि जिनवाणी भी उन्हीं की देन है ना। अब ऐसा नहीं कि वो लिख के गए हैं, लेकिन उन्हीं की देन है, वो भी निमित्त कारण है। तो ऐसे निमित्त कारण से कह रहे हैं कि ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि रूपी किरणों द्वारा वहाँ से मुक्त होने का मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, कि सूर्य को ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं सबको मार्ग दिखाऊं, सबका मार्ग प्रकाशन करूं, वो तो सहज निमित्त नैमित्त संबंध है ऐसा कि वो अपने उदय काल में उदय होता है, अपने अस्त काल में अस्त होता है ना। अस्त भी होता है वो काल की अपेक्षा, यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा है, ऐसा नहीं है कि वो नष्ट ही हो गया। सूर्य नष्ट हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आप जैन सिद्धांत पीवीसी का पढ़ रहे हो, इसलिए पूछा है मैंने। हाँ, क्योंकि अस्तित्व गुण कैसा है? सामान्य गुण है, वो हर द्रव्य में है, तो सूर्य में भी है, तो सूर्य में भी अस्तित्व गुण है, मतलब उसका नाश नहीं हो सकता है ना। तो अपने उदय काल में वो उदय होता है, ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा हुई कि चलो मैं माँ का प्रकाशन करता हूँ तो उदय हो गया, उसकी इच्छा हुई कि नहीं अब मुझे माँ नहीं दिखाना तो अस्त हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं है कि वो तो सहज ही ऐसा संयोग है कि वो उदय होता है और माँ का प्रकाशन करता है, उसको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं माँ को प्रकाशित करूँ। जैसे ढोलक है, तो ढोलक की ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं तरह तरह की आवाज़ निकालूँ है ना, उस पर सो जैसी थाप पड़ेगी, जैसा सामने वाला उस पर थाप देगा उसके अकॉर्डिंग वो आवाज़ अपने आप निकलेगी। सहज ऐसा संबंध है, उसको ढोलक निकाल रही है ऐसा नहीं है कि ढोलक की ऐसी इच्छा हो कि चलो मैं भी ये वाली आवाज़ निकालूँ फिर ये वाली आवाज़ निकालूँ। तो जैसे ढोलक को इच्छा नहीं है, वैसे जैसे सूरज को इच्छा नहीं है सूर्य को कि मैं माँ का प्रकाशन करूँ, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है, उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इसलिए उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। कि एक तो वो वीतराग अवस्था है उनकी, तो उनकी ऐसी इच्छा होगी ही नहीं, वो तो 18 दोषों से रहित है, वीतराग हैं तो उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करूँ, कि जीव इतने भ्रम रहे हैं चलो इन पर दया करके इनको थोड़ा भला होने का मार्ग दिखा दें, इनको थोड़ा माँ का प्रकाशन कर दें, ऐसा नहीं है, उनकी ऐसी इच्छा नहीं है। परंतु सहज ही वैसे ही अघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य धनी रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मुच्छ माँ का प्रकाशन होता है। कि सहज ही ऐसा संयोग है अघाती कर्मों का कि वो शरीर रूप जो पुद्गर है वो भाषा भगना रूप परिणमित होता है, दिव्य धनी रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन होता है। तो देखो अघाती कर्म भी कितने फायदेमंद हैं कि नहीं? अघाती कर्म फायदेमंद हैं कि नहीं? अघाती कर्म फायदेमंद है। देखो अघाती कर्म मान लो केवली भगवान हुए, घाती कर्मों का नाश हो गया, अघाती कर्म तुरंत नाश हो जाते तो क्या होता, अच्छा होता कि बेकार होता? अच्छा होता वो तो ठीक है, लेकिन हमको दिव्य धनी सुनने को नहीं मिलती है ना, तो हमारे लिए थोड़ी फायदेमंद वाली बात है कि घाती कर्म थोड़े लेट नष्ट हुए है ना। हाँ, हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो रही है, और हम तो क्या हैं, बनिया हैं, हम तो जहाँ प्रयोजन की सिद्धि हो वहाँ जहाँ अपना कार्य सदरा हो उसको देखते हैं। इसलिए पंडित जी ने पहले भी लिखा कि हमें अरंतों को पहले नमस्कार क्यों किया जबकि सिद्ध बड़े थे, क्योंकि अरंतों से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है।
हमने अपने पूजा की सिद्धि के लिए ऋतों को पहले नमस्कार किया, सिद्धों को बाद में नमस्कार किया। तो ऐसे अघाती कर्मों के उदय से सहज ऐसे संबंध बनते हैं कि जो शरीर रूप पुद्गल है वो दिव्य धनि रूप परिणमित होता है और उसके द्वारा मोक्ष के माँ का प्रकाशन होता है। केवली भगवान मोक्ष के माँ का प्रकाशन करते हैं या नहीं? केवली भगवान मोक्ष के माँ का प्रकाशन करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, हाँ, कि उनकी इच्छा नहीं होती है ना। केवली भगवान की इच्छा अनुसार दिव्य धनी होती है कि नहीं? केवली भगवान की इच्छा अनुसार नहीं होती, वो सहज ही होती है ना। प्रकाशन करते हैं है ना। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाशन करते हैं कि नहीं, तो करते हैं, और उनकी इच्छा अनुसार प्रकाशन होता है या नहीं, तो नहीं होता है ना। तो उनकी इच्छा नहीं है उसमें, वो सहज ही प्रकाशन होता है ना। तो सर्वांग जो ओम का ध्वनि फिरती है उसके द्वारा मुच्छ के माँ का प्रकाशन होता है। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली रूपी सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मुच्छ माँ को कैसे प्राप्त करेंगे, और मुच्छ माँ को प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ बेही हुए महान दीपक उनका उद्धोत किया कि गंधर्व देवों का ऐसा विचार आया कि जब केवली रूपी सूर्य का अस्तपना हो जाएगा, जब केवली भगवान नहीं रहेंगे जिस काल में, उस काल में जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। क्यों सहेंगे? क्योंकि सुख कहाँ पर है? मुक्ति के मार्ग में। ऐसा कहाँ पे आया है? छेड़ाराम कहीं आया है क्या? छेड़ाराम में कहाँ आया है? ऐसा कहीं आया है? आत्म को हित है, हाँ, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिवमग लागो चाहिए। कि आकुलता एकमात्र शिवमग में नहीं है, बाकी हर जगह आकुलता है। और आत्मा का हित किस में है? सुख में है। वो सुख कैसा है? आकुलता रहित है। और आकुलता कहाँ पर नहीं है? शिवमग में। इसीलिए उस मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो जब केवली भगवान है साक्षात, तो साक्षात मोक्ष का मार्ग प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जब केवली रूपी सूर्य का अस्तपना हो जाएगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे, और मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं करेंगे तो दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ बेही हुए महान दीपक उनका उद्धोत किया। गणधर देव वीतराग है कि नहीं है? वीतराग है कि नहीं है? तो उनको करुणा बुद्धि क्यों होगी? करुणा बुद्धि तो वीतरागता का लक्षण है नहीं, तो उनको करुणा बुद्धि क्यों होगी? आप आचार्य पादा साधु का स्वरूप पढ़ चुके हो पहले इस ग्रंथ में, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं जो भी पूछता हूँ आपने पढ़ा वही पूछता हूँ, उससे अलावा कुछ नहीं पूछता हूँ। करुणा बुद्धि क्यों होगी उनको फिर, यदि वो वीतराग हैं तो? उनका भी ऐसी शैली बनेगा क्योंकि उनकी अभी संजलन का उदय है, संजलन रूपी कषाय का नाश नहीं हुआ है, तो उनके जो करुणा बुद्धि है वो उतने अंश रूप है बस, तीन कषाय चौकी जैसी नहीं है, उस संजलन रूप है। आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में पढ़ा था ना हमने कि वो शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग में आते हैं, है ना। शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग में आते हैं तो कब आते हैं? कि उनके जो उदय रहता है वो कैसा रहता है? संजरण रूपी कषाय का उदय रहता है। तो गणधर देवों को भी संजरण का उदय है, अभी संजरण का नाश नहीं हुआ है उनके, है ना। वो भी छठवें सातवें गुण स्थान में जुड़ रहे हैं, छठवें सातवें गुण स्थान वाले हैं। ये जिनको गणधर देव की पदवी है उनको शुद्ध उपयोग थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अंत मोद काल के लिए तो नहीं है, नहीं तो केवल ज्ञान हो जाता, उससे कम ही है। तो उनका उपयोग स्थिर नहीं रह पा रहा, मी संजरण कषाय का उदय बाकी है अभी, तो उस रूप उनकी करुणा बुद्धि हो सकती है। तो ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ बेही हुए महान दीपक उनका उद्धोत किया कि जब केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय, सूर्य का अस्त हो गया, अंधकार हो गया, तो अपने मार्ग को प्रकाशित करने के लिए उस
मुक्ति के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए हमने ग्रंथ रूपी दीपक जलाया कि ग्रंथ रूपी दीपक के माध्यम से हम अपने माँ का प्रकाशन करके अपना कार्य कर लें। ऐसा नहीं कि सूर्य के प्रतीक्षा में बैठे कि अब रात हो गई है, अंधेरा हो रहा है, हमें कोई काम नहीं करना, कोई काम करना अभी है हमको अर्जेंट, कि हम तो जब सूर्य का उदय होगा तभी करेंगे, तो सूर्य के उदय के भरोसे नहीं बैठे। ऐसा कोई अर्जेंट काम हो तो उसको दीपक के प्रकाश से कर सकते हैं, लौकिक में हम करते हैं, लेकिन धर्म में हम उसको भूल जाते हैं। वहाँ हम केवली भगवान रूपी सूर्य कब आएंगे, कब उनका उदय होगा, कब हम अपना कार्य करेंगे, इस भरोसे बैठे रहते हैं। तो वहाँ पर भी ग्रंथ रूपी सूर्य का उदय हुआ, ग्रंथ रूपी दीपक का, ग्रंथ रूपी सूर्य का नहीं। सूर्य की तुलना किससे की गई है? केवली भगवान से, और दीपक की तुलना ग्रंथ से, है ना? एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ बे ही हुए महान दीपक उनका उद्धोत किया। पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है, उसी प्रकार किन्हीं आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए, इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। कि जैसे एक दीपक जलाया, उसी दीपक से दूसरा दीपक जलाया, उस दीपक से तीसरा दीपक जलाया, ऐसे दीपकों से दीपक जलाते जाएं तो दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है कि दीपक कंटिन्यू जलते रहते हैं, बुझते नहीं है। एक दीपक जला, उससे दूसरा दीपक जला दिया, फिर तीसरा जला दिया, चौथा जला दिया, पांचवा जला दिया, तो दीपकों की परंपरा प्रवर्तेगी। वैसे ही गंधर्व देवों ने दो अंग प्रकीर्णक आदि रचे, उनसे आचार्य आदिकों ने ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों से अन्य आचार्य आदिकों ने ग्रंथ रचना की और उन अन्य आचार्य आदि वाले ग्रंथों से अन्य आचार्य आदिकों ने, अन्य विद्वत गणों ने ग्रंथों की रचना की। तो ग्रंथों की परंपरा इस प्रकार प्रवर्त की है कि आचार्य आदिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए और फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए, इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ, कि मैं भी उसी परंपरा से ग्रंथ बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई नया दीपक जला रहा हूँ, मैं नया दीपक नहीं जला रहा हूँ, जो दीपकों से दीपक की परंपरा प्रवर्त रही है, जैसे ग्रंथों से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्त रही है, तो मैं भी उन्हीं पूर्व ग्रंथों से इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार दिव्य धनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मुच्छ मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। कि जैसे सूर्य है और दीपक है, वो उस मार्ग को जैसा है वैसा ही दिखाएंगे, ऐसा नहीं कुछ अलग दिखाएंगे, है ना? तो वैसे ही दिव्य ध्वनि है और सभी ग्रंथ हैं, वो भी उस मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। कि जैसे दिव्य ध्वनि और सारे ग्रंथ मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन एक रूप ही करते हैं, कोई अलग नहीं करते। कि कोई ऐसा कहे कि ये तो कुछ अलग ही बता रहे हैं, जैसे मान लो कहीं पर यथार्थ निरूपण किया जाए और निश्चय के पीछे कथन किया, और कोई कहे कि ये तो केवल निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार की बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पर जैसा वर्णन है वैसा ही वर्णन किया, वो निश्चय की अपेक्षा किया या व्यवहार की अपेक्षा किया वो बात अलग है, लेकिन वर्णन वो वैसा ही किया है जैसा दिव्य ध्वनि में आया है, जैसा सभी ग्रंथों में आया है। तो जैसे दिव्य ध्वनि और सभी ग्रंथ मोक्ष के माँ का प्रकाशन करते हैं, सो यह भी ग्रंथ मोक्ष के माँ को प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूझता, तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशित पने का अभाव हुआ नहीं है। कि जैसे दीपक है, वो दीपक माँ का प्रकाशन कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति है जो नेत्र रहित है, जो अंधा है, या फिर जिसकी आंखों में कोई विकार है, है ना? जैसे विकार, कैसा भी विकार हो, कोई बीमारी आदि हो, या फिर विकार में ऐसा लें जैसे मान लो कि दीपक ने मार्ग दिखाया हुआ है और किसी व्यक्ति ने रेड कलर का चश्मा पहना हुआ है, तो उसको कैसा दिखेगा सामने? सब रेड ही रेड दिखेगा।
ब्लू कलर का पहना है तो ब्लू ब्लू दिखेगा, लेकिन वो दीपक ऐसा रेड नहीं दिखा रहा माँ को, या दीपक उस माँ को ब्लू नहीं दिखा रहा है, वो दीपक तो जैसा माँ है एक्चुअल में वैसा ही दिखा रहा है। तो या तो व्यक्ति नेत्ररहित हो या उसकी नेत्रों में कोई विकार हो, तो उसको वो माँ नहीं दिखता है, तो दीपक के तो माँ प्रकाश पने का अभाव नहीं हुआ कि भाई जो नेत्ररहित व्यक्ति है उसको माँ नहीं दिख रहा है तो दीपक माँ नहीं दिखा रहा, ऐसा नहीं है। दीपक तो जैसा माँ है वैसा ही दिखा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं देख पा रहा, उसकी योग्यता है वो, लेकिन उस दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव नहीं हुआ, वो तो मार्ग का प्रकाशन जैसा कराना चाहिए वैसा ही करा रहा है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्वात आदि विकार सहित हैं उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है कि वो ग्रंथ तो जैसा दिव्य ध्वनि में आया है, जैसा दिव्य ध्वनि में मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन हुआ है, जैसा मुक्ति का मार्ग वहाँ प्रकट हुआ है, वैसा ही प्रकट ग्रंथ कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति मन ज्ञान रहित है, या तो मन से रहित है, असंगी है, या फिर ज्ञान रहित है, या मिथ्वा आदि विकार रहित है कि उसको विकार है, मिथ्वात आदि है, या फिर और भी विकार हैं, जैसे कि मत मतांकरों के विकार हैं कि वे बहुत ऐसा वर्णन करते हैं वहाँ नहीं जाएंगे, वो ऐसा वर्णन करते हैं वहाँ नहीं जाएंगे, जो यथार्थ वर्णन कर रहा हो, जो यथार्थ नहीं कर रहा वहाँ की बात नहीं है, वहाँ तो नहीं जाना ही अच्छा है, क्योंकि पंडित जी वक्ता के स्वरूप में बता के आए हैं कि किसके मुख से हमको ग्रंथ सुनना चाहिए, किसके मुख से नहीं सुनना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए वो तो बता चुके हैं। यदि वैसा वक्ता नहीं है तो सुनना ही नहीं है, वो तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो निश्चय की बात करते हैं, वो व्यवहार की बात करते हैं, या फिर किसी प्रकार से वो भी एक तरह का विकार है, तो उनको यदि मुक्ति का मार्ग नहीं सूझता हो, मुक्ति का मार्ग नहीं दिखता हो, तो ग्रंथ के तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक पने का अभाव नहीं हुआ, वो ग्रंथ तो जैसा मोक्ष का मार्ग एक्चुअल में है वैसा ही मोक्ष का मार्ग प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना, किस प्रकार इस ग्रंथ का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम है कि मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाला, वो नाम भी सार्थक जानना, नाम भी सार्थक जानना और ग्रंथ भी सार्थक जानना। अब कोई उनसे प्रश्न करे कि मोक्ष मार्ग के प्रकाशित ग्रंथ तो पहले थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो, कि भाई मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन करने वाले ग्रंथ तो बहुत हैं, पहले से ही हैं, तो तुम नया ग्रंथ क्यों बनाते हो, कि भाई इतने दीपक जले हुए हैं तो तुम नया दीपक क्यों जलाते हो, भाई कि इतने दीपकों से वो मार्ग प्रकाशित हो रहा है तो तुमको नया दीपक जलाने की क्या आवश्यकता है, ऐसे तुमको ये नवीन ग्रंथ बनाने की क्या आवश्यकता है, नवीन ग्रंथ क्यों बना रहे हो। तो पंडित जी क्या जवाब देंगे, ग्रंथ की जो हमने ग्रंथ की क्या देखी थी, ग्रंथों की परंपरा देखी थी कि ग्रंथ कैसे चल रहे हैं, ग्रंथ की प्रामाणिकता देखी थी, उसमें आया था, उससे बताएगा कोई क्यों नवीन ग्रंथ बना रहे हैं पंडित जी। हाँ सही बता रहे हाँ कि है ना, जो मुझसे भी हीन बुद्धि के धारक हैं या जो बड़े ग्रंथों को नहीं समझ सकते हैं उनको समझाने के लिए ये ग्रंथ बनाते हैं। जैसे मैंने वहाँ एग्जाम्पल दिया था गौमट शाह की पीठिका में पंडित टोडम जी ने उसमें लिखा है कि किसी ने पूछा कि नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो, तो वहाँ उन्होंने लिखा कि जैसे कोई क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होशियार है बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा, तो यदि वो और स्टूडेंटों को सिखाए और स्टूडेंटों को पढ़ाए तो उसमें नुकसान नहीं है उसमें। और फिर उसमें ऐसा भी बताया था कि नवीन ग्रंथ बना रहे हो उसमें कोई गलती हो गई तुमसे तो, उसमें ऐसा आया है गौमट शाह की पीठिका में कि आप नया ग्रंथ बना रहे हो उसमें कोई गलती हो गई तो तुम हास्य के पात्र बनोगे, लोग हंसेंगे तुम पे। तो उन्होंने उसमें लिखा कि जैसे जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है बहुत ज़्यादा वो बाकी स्टूडेंटों को समझाए पढ़ाए और उस पर कोई गलती भी हो जाए तो टीचर आदि या और भी लोग
उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि वो टीचर नहीं है, वो है तो स्टूडेंट ही है ना। वैसे उन्होंने लिखा कि मैं भी अल्प ज्ञान का धारी हूँ, लेकिन मुझसे भी हीन बुद्धि के धारक हैं, उनके लिए मैं नवीन ग्रंथों की रचना करता हूँ, ऐसा उन्होंने वहाँ बताया था। अभी देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे मान लो बहुत सारे दीपक जले हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है। अब मान लो किसी ने इतना बड़ा दीपक जलाया हुआ है, इतने बड़े दीपक में मान लो आधा किलो तेल चाहिए उसको जलाने के लिए। अब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, उसके पास आधा किलो तेल के पैसे नहीं है, उसको माँग तो उसको भी देखना है, तो कैसे देखेगा वो कि वो छोटा सा दीपक जला ले, 50 ग्राम तेल आए जिसमें। तो वैसे ही पंडित जी यहाँ कहेंगे कि जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्धोत बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, लेकिन जिनके बहुत तेलादिक की शक्ति ना हो उनको छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्धोत से अपना कार्य करें। कि बड़े दीपकों का उद्धोत तो बहुत तेलादिक के साधन से रहेगा, लेकिन जिसकी इतनी शक्ति नहीं है बहुत तेलादिक की, वो छोटा दीपक जला दें तो जिससे उससे साधन से अपना कार्य कर सकें। कि वो कार्य तो छोटे दीपक से भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, बड़े दीपक से विशेष होगा, लेकिन जो हमको मार्ग देखना है या कोई कार्य करना है तो छोटे दीपक में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो उस मार्ग को प्रकाशित कर सके, तो वो उसके उद्देश्य से अपना कार्य कर ले। यदि छोटा दीपक उपलब्ध ना हो तो फिर तो अपना मार्ग प्रकाशित नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि बहुत तेलादिक की शक्ति उसमें नहीं है। तो उसको छोटा दीपक जला दें तो उसका साधन रखकर उसके उद्देश्य से अपना कार्य करे। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का को प्रकाश बहुत ज्ञानादिक के साधन से रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसीलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। कि जिनके बहुत ज्ञानादिक की शक्ति हो वो तो बड़े ग्रंथों से अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन जिनका छवसम बहुत कम है, ज्ञानादिक की शक्ति बहुत कम है, उनको यदि हम छोटा ग्रंथ बना दें तो उनकी शक्ति इतनी ही छोटे ग्रंथ को पढ़ सकें वो, तो ऐसे छोटे ग्रंथ को पढ़ के वो अपना कार्य कर सकते हैं, उसके प्रकाश से वो मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं, इसीलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। पुनश्चय यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान भराने के लिए अथवा लोभ साधने के लिए अथवा यश प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। कि जो मैं ये ग्रंथ बना रहा हूँ वो कषाय से अपना मान बढ़ाने के लिए या अपना किसी लोभ आदि की सिद्धि के लिए या यश आदि की प्राप्ति के लिए या मेरी पद्धति बन चली रहे अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण न्याय आदि का नए प्रमाण आदि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, कि जिसको न्याय का ज्ञान नहीं है, प्रमाण का ज्ञान नहीं है, न्याय क्या है, प्रमाण क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, और जो विशेष अर्थ हैं उनका ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का तो अभ्यास बन नहीं सकता। कि बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो कर नहीं सकते हो, कि बड़े ग्रंथों का अभ्यास करने के लिए तो निश्चय व्यवहार आदि का भी भली भांति ज्ञान हो, न्याय क्या है, प्रमाण भूत वस्तु क्या है, किसने ऐसी क्या बात कही जा रही है, जो विशेष अर्थ आएंगे, विशेष शब्द आएंगे उनका क्या अर्थ है, उसको जो नहीं जानता वो बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता। तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। कि छोटे ग्रंथों का भी अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। कि छोटे ग्रंथों में भी यदि नए आदि से बहुत ज़्यादा बात की हो, नए प्रमाण आदि की, और विशेष शब्दों को रखा गया हो जिनका उसको ज्ञान ही नहीं है, तो उससे भी उसको यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होगा। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं, उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। कि इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई दे रहे हैं, कि जिनका ज्ञान बहुत मंद है, उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। कि सरल भाषा में ग्रंथ बना रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा व्याकरण आदि की जरूरत भी नहीं है,
कोई विशेष शब्दों का भी ध्यान नहीं रखना, सिंपल सिंपल शब्दों में भाषा में ये ग्रंथ बनाता हूँ। पुनश्च जिस प्रकार बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, तथा जैसे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। कि जैसे कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत दरिद्री है, जिस प्रकार कोई दरिद्री है उसको चिंतामणि रत्न देखने को मिला और वो उसकी वो देखे ही नहीं। चिंतामणि रत्न क्या होता है? आत्मा की बात ही नहीं कह रहा हूँ। चिंतामणि रत्न वो होता है कि जो जिस व्यक्ति के पास वो जो चाहे उसको तुरंत मिल जाए, वो जो इच्छा करे, वो जो भी इच्छा करे कि मुझे ये चाहिए तो तुरंत उसके सामने वस्तु आ जाए। चिंतामणि रत्न वो होता है। इसी चिंतामणि रत्न की उपमा आगम बहुत जगह पे की गई है। छड़ियाला में भी आया कि नहीं आया? कहाँ आया है छड़ियाला में? कौन सी डाल में आया ये बताओ। चलो तस पर्याय पाना चिंतामणि रत्न को पाने के समान है। कौन सी डाल में है ये? हाँ, पहली डाल में है कि वहां पर तस पर्याय को पाने की भी दुर्लभता बताई चिंतामणि रत्न से, कि तस पर्याय को पाना भी इतना दुर्लभ है जैसे चिंतामणि रत्न को पाना। तो तस पर्याय में मनुष्य पर्याय का नहीं बताया, वहां पे दो इंद्रिय पर्याय का बताया कि दो इंद्रिय पर्याय को भी पाना इतना दुर्लभ है जितना चिंतामणि रत्न को पाना। तो रत्न कैसा है कि जिसको पाने से सब चीज़ मिल जाए, ऐसा वो चिंतामणि रत्न है। और किसी गरीब व्यक्ति को वो चिंतामणि रत्न देखने को मिले और उसको देखे भी ना, तो क्या कहेंगे हम उससे? मूर्ख तो कहेंगे, उसका अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती। कि ये कितना बड़ा मूर्ख है उसकी हम महिमा ही नहीं कर सकते, मूर्ख पने की उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, इतना उसका अभाग्य है कि हम उसकी महिमा नहीं कर सकते, उसके बारे में कह नहीं सकते कैसा है ये व्यक्ति। तो जैसे उस दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए और वो उसका अवलोकन भी ना करे, लेने की बात तो दूर की है, अवलोकन भी ना करे, तो वो कितना बड़ा मूर्ख है वो हम शब्दों में कह नहीं सकते। और जैसे कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह ना करे, जैसे कोई कोड़ी व्यक्ति है, उसको कोड़ी व्यक्ति को क्या होता है, उससे क्या होता है कोड़ी करने से? उसको बहुत कष्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में रहता है, और उसको अमृत पान कराया जाए, अमृत पीने से क्या हो जाएगा, उसका कोड़ नष्ट हो जाएगा। उसको अमृत पान कराया जाए और वो ना करे कि मुझको अमृत पान नहीं करना, तो वो कितना बड़ा मूर्ख है वो हम कह ही नहीं सकते शब्दों में भी, कि शब्दों में भी उसकी मूर्खता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसने इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा है वो कि हम शब्दों में भी नहीं कह सकते। एक सिंपल कोई छोटा मोटा गलत काम करे उससे हम बोल रहे हैं कि ये मूर्ख है, तो बात अलग है, लेकिन वो इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा है कि उसको शब्दों में भी कह पाना असंभव है। तो जैसे दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हो और वह अवलोकन ना करे, जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे, तो उसकी अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। कि संसार में पीड़ित हो रहा दुखी दुख से, वो संसार का कोई भी जीव एक समय के लिए सुखी होता है क्या? नहीं होता, पक्का नहीं होता। हम तो सुखी हैं कि नहीं है? नहीं है, पक्का नहीं है सुखी। अरे लोग एक मतलब बहुत लोग सुखी हैं, मुकेश अंबानी को देखो कितना सुखी है, नरेंद्र मोदी को देखो कितना सुखी है कि नहीं है सुखी? हाँ, कि ना मुकेश अंबानी हमसे ज़्यादा दुखी है, नरेंद्र मोदी हमसे ज़्यादा दुखी है,
जितना जितना हम थोड़े बहुत सुखावास हमको हो रहा है ना, उतना सुखावास भी नहीं है उनको, है ना। तो यश हम क्या सोचते हैं कि चलो धन से सुख हो जाएगा, यश से सुख हो जाएगा, या विषय भोगों से सुख हो जाएगा, लेकिन ना तो धन से सुखी हुआ जा सकता है ना यश आदि प्राप्ति से। क्योंकि देखो जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उससे बड़ा यश क्या होगा, है ना। तो इतना बड़ा यश मिलने पर भी वो सुखी नहीं है। मुकेश अम्बानी है, उसके पास कितना धन है, या मुकेश अम्बानी को नहीं लो, पूरे वर्ल्ड में जो नंबर वन पे हो उसको ले लो, तो उससे यह धन को किसी के पास नहीं हो सकता। तो फिर भी क्या वो सुखी है कि नहीं है। विषय भोगों में रहने वाला सुखी है क्या कि नहीं है। तो हम जो सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, तो वास्तव में सुखी है नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम सुखी हैं, और वास्तव में हमको तुमको लगता है कि हम सुखी हैं, हमको लगता नहीं है कि हम दुखी हैं। यदि हमको ये लगा होता कि हम दुखी हैं, तो वास्तव में हमने अपना कल्याण करने की ओर उद्दत हुए होते, हमने अपना पुरुषार्थ अपना कल्याण करने की ओर बढ़ा लिया होता, है ना। लेकिन मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि यदि हमको लगा होता कि हम दुखी हैं, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्वाध्याय को रखते, अपने आत्म कल्याण को रखते, है ना। तो हमको लगता ही नहीं है कि अभी हम दुखी हैं। तो जो जिनको लगता है कि दुखी हैं, भाई जी मुझ के माँ का अभ्यास करेंगे, हमको तो लगता ही नहीं हम दुखी हैं। हाँ, कि वो एग्जाम्पल इसलिए दिया ना कि जैसे दरिद्री को चिंतामणि रत्न, देखो ऐसा नहीं, ऐसा पंडित जी ने ऐसा नहीं कहा कि किसी दरिद्री को 1 करोड़ रुपए मिले और वो ना करे तो उसके भाग्य की महिमा नहीं हो सकती। 1 करोड़ 2 करोड़ अरब खरब रुपयों से बात नहीं की, चिंतामणि रत्न से बात की। कि चिंतामणि रत्न कैसा है कि यदि वो दरिद्री व्यक्ति उसको ले ले तो पूरा विश्व उसका हो सकता है। अरब खरब की तो बात ही नहीं है कि इतनी बड़ी उदाहरण कैसा दिया है, छोटा मोटा उदाहरण नहीं दिया पंडित जी ने। तो जैसे कोड़ी है, उसको अमृत पान कराए, उसका कोड़ दूर हो जाए, मीन्स वो जो प्रति समय दुखी हो रहा है कोड़ से, उसका वो दुख दूर हो जाए, लेकिन फिर भी वो अमृत पान नहीं कर रहा है। तो वैसे ही संसार में जो जीव दुखी है, समय हो गया है इसको कर ले लेंगे अभी, तो जो दुखी है वो यदि मुच्छ माँ का उपदेश मिले सुगम, बहुत सरल, इसको कर ही लेते हैं अभी, ठीक है, अभी समझाना पड़ेगा फिर इसको। वह अभ्यास ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती, उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता आती है। इसे पैराग्राफ को कर लेंगे हम, बाकी किसी को कोई शंका हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। ये ग्रंथ बहुत सरल और सुगम है, इसको पंडित जी आगे बताएंगे भी कि इसके लिए ना कोई व्याकरण आदि का साधन चाहिए, इसका वाचना सुनना पढ़ना समझना सब बहुत आसान है, और जो इसके अभ्यास में प्रवर्तेगा उसका कल्याण होगा, ऐसा इस अधिकार की लास्ट लाइन में पंडित जी कहेंगे भी। तो कि न्याय आदि के जो ग्रंथ हैं उनका जिसको नॉलेज ना हो, न्याय आदि के ग्रंथ हो जो बड़े ग्रंथ हैं उनके लिए न्याय आदि का अभ्यास चाहिए। जिसको न्याय आदि का अभ्यास ना हो तो फिर वो बड़े ग्रंथों का अभ्यास नहीं कर पाएगा। न्याय आदि का उसमें साथ में लिखा, न्याय प्रमाण आदि का विशेष शब्दों का अर्थ नहीं जानता हो तो उसको बड़े ग्रंथों का अभ्यास नहीं बनता। तो उसके लिए ये सुगम एक छोटा भाषा में ग्रंथ बनाते हैं उन जीवों के भला होने के लिए। तो ऐसा यह बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ जो मुच्छ के माँ का प्रकाशन करने में समर्थ है, कि जैसे सूर्य और अन्य दीपक मुच्छ के माँ का प्रकाशन करने में समर्थ हैं, वैसे ये छोटा दीपक भी उसी तरह से उसी रूप में मुच्छ के माँ का प्रकाशन करने में समर्थ है। ऐसा नहीं है कि दीपक छोटा है तो माँ को प्रकाशित नहीं करेगा। जैसे वो सूर्य माँ को प्रकाशित करता है, जैसे बड़े दीपक माँ को प्रकाशित करते हैं वैसे ही छोटा दीपक करता है, वैसे ही केवली भगवान रूपी सूर्य की दिव्य ध्वनि, केवली भगवान रूपी सूर्य की दिव्य ध्वनि रूपी किरणें जैसा प्रकाशित करती हैं, जैसा बड़े ग्रंथ रूपी बड़े दीपक प्रकाशित करते हैं, वैसे ही यह छोटे दीपक रूपी छोटा ग्रंथ भी मुच्छ के माँ का प्रकाशन करने में समर्थ है। इसीलिए इस ग्रंथ का मुच्छ माँ प्रकाशक नाम भी सार्थक जानना। हम सब इसके अभ्यास में प्रवर्तन करते हुए मुच्छ के माँ का प्रकाशन करें, इसी मंगल भावना के साथ। बाकी की बात है नेक्स्ट क्लास में।
हनुमानी स्तुति।